हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियोस। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स रिगार्डिंग पीरियड्स के बारे में, जो कि हम लोगों को जानना ज़रूरी है। और हर फीमेल खुद ही कुछ से मिसमैनेजमेंट कर लेती है, और उसके फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस या सेकंड डे ऑफ मेंसेस में उसको सीवियर पेन होते हैं ड्यूरिंग द मेंसुरल साइकिल। तो ये जो कुछ जो टिप्स होते हैं मैं बताने जा रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको वो प्रोसेस बता दूँ कि ये मेंसेस हर महीने का एक फीमेल में होता कैसे है, और वो जो एक महीने का ड्यूरेशन होता है उसके बीच में क्या क्या होता है। सो गाइस, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। दिस सो इजन इट वेरी फनी, बट लेट्स टॉक ऑन दिस। जैसे ये बिग साइज़ का है, स्मॉल साइज़ का, छोटा साइज़ का हमारे लोअर एब्डोमेन में होते हैं, पेल्विक रीजन में, जिसमें कि ये दोनों जो होते हैं ओवरीज होते हैं जिसमें अंडे बनते हैं, और ये जो होता है बजदानी होता है। तो हमारे जो हर महीने का जो साइकिल होता है उसमें 30 दिन या 35 दिन या 28 दिन के बाद, ये डिपेंड करता है फीमेल में, अकॉर्डिंग टू फीमेल डिपेंड करता है कि ये मेंसेस कितने कितने दिन पे हो रहे हैं, बट हाँ 28 दिन के या 30 दिन या 35 दिन पे होते हैं। सो गाइस, ये जो मेंसेस होता है इसमें 4 हफ्ते होते हैं, दो दो हफ्ते में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पहला से लेके एक से लेके सपोज दैट एक से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज होता है, और 5वें दिन से या 6ठे दिन से जो होते हैं अप टू द 13 दिन तक, इसमें जो होते हैं इसमें छोटे छोटे अंडे होते हैं, जिसको इसको मैच्योर करने में, इसमें जो छोटे छोटे अंडे होते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं उसको मैच्योर करने के लिए जो 6ठे दिन से 13वां दिन तक इसमें प्रोसेस होता है, और 14वां दिन यहाँ से अंडा रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ से जो अगर सपोज दैट स्पर्म यहाँ से आया और यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस केस में ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन वही सपोज दैट अगर उसको स्पर्म नहीं मिला, उसको उसको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, तो वही जो अंडे हैं छोटे छोटे वो रप्चर हो के ब्लीडिंग के फॉर्म में आते हैं। तो मैंने बताया कि 14वां दिन ओवुलेशन होता है, रिलीज हुआ तो हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, नहीं हुआ तो ब्लीडिंग का आगे के 15 दिन जो रह गए हैं उसमें प्रोसेस होते हैं ब्लीडिंग का। अगले 15 दिन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो होते हैं यूट्रस को लाइनिंग को फिर से तैयार करता है, और उसमें फिर से प्रोलिफरेशन प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं, ये एक छोटा सा साइकिल है जो मैं आपको बताई। और इसमें अब हम बात करते हैं जो टिप्स जो हम लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक फीमेल को जानना। सो ये जो टिप्स होते हैं, जैसे कि हर पीरियड्स के पहले दिन फ्रेंड्स सॉल्ट इंटेक कम लें, बिकॉज उसमें जो होते हैं सोडियम आयन होते हैं वो मसल्स को, स्मूथ मसल्स को कमज़ोर करते हैं। सो नमक की जो इंटेक है उसको कम लें। एंड नेक्स्ट इज़ दैट कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, दिन में आप कार्बोहाइड्रेट लें, राइस लें एंड अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप खाएं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलेगी। एंड प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का इंटेक भी कम करें, प्रोटीन का जो डाइट है उसे भी कम करें, जंक फूड को अवॉइड करें। एंड इस तरीके से इसमें बचने के लिए यही सारे उपाय हैं, जैसे सॉल्ट को कम करके खाएं। एंड जो प्रोटीन कम लें, इसलिए प्रोटीन कम लिया जाता है क्योंकि जो हमारा लीवर है वो प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करवाता है, तो हमारे ब्लड जो होते हैं सर्कुलेशन पूरे बॉडी में फास्ट हो जाता है। एंड यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से वहाँ के डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होते हैं कम हो जाते हैं, उसके वजह से उसमें पेन होते हैं। सो दिस ऑल आर द रीज़न कि आप अपने डाइट को मैनेजमेंट में रखें ड्यूरिंग द साइकिल, स्टार्टिंग फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। और इससे रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे कि एक फीमेल को जब पहली बार उसको मेंसेस होते हैं तो उसको फैमिली वाले जो होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं, हिज फैमिली मेम्बर, कि उसे क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, बिकॉज से सफर्स लॉट फ्रॉम द पेन ड्यू टू द मेंसेस। लेकिन उसको इतना डाइट ना दे, प्रोटीन इतना ना खिलाएं, एंड साग पत्ते वगैरह एंड ऑल टाइप ऑफ दाल वगैरह ना खिलाएं, क्योंकि वो और ही क्रैम्प करवाएगा और पेन करवाएगा। सो दिस ऑल आर द रीज़न गाइस।